ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो दिन भर अपनी छोटी दुकान पे बैठते हैं और पूरी मेहनत करने के बावजूद उनको ऐसा लगता है कि जितनी मैंने मेहनत करी उतना मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप डेली पैसे कमा भी रहे हैं, डेली आपका एक तरह से इनफ्लो ऑफ मनी भी है बिजनेस के अंदर, आपकी छोटी दुकान के अंदर, बट फिर भी हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है जिससे आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता, आप पैसे बचा नहीं पा रहे अपने बारे में, चाहे वो किस मर्जी की दुकान हो, चाहे आप खाने की दुकान चलाते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की दुकान चलाते हो, केमिस्ट की दुकान चलाते हो, आप दिन भर पैसे तो कमा रहे हैं, मेहनत भी सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, परंतु फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे उतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। जो मैं व्यक्ति अपनी दुकान पर रखता हूँ वो या तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं जल्दी, या फिर धोखाधड़ी करते हैं, मेरे पैसे वही चुरा लेते हैं, या फिर अन्य किसी भी कारणों से आपके एंड ऑफ द मंथ में पैसों की बचत नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं 15 या 16 आपके साथ वास्तु टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपनी छोटी दुकान के लिए खुद ही यूज करिए, और आप खुद ही देखेंगे जब आपने ये 15-16 वास्तु टिप्स फॉलो कर ली अपनी दुकान के लिए, इंस्टेंटली आपको पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी अपनी डेली इनकम में भी और जो आप मंथली इनकम कमा रहे हैं उसमें भी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली वास्तु टिप छोटे दुकानदारों के लिए क्या होगी कि जो आपकी दुकान का स्ट्रक्चर है या तो आप देखिए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी दुकान का आगे वाला हिस्सा जो ओपन साइड है वो छोटी हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी दुकान नॉर्मल दुकान तो इस वे में होनी चाहिए, अगर आपकी दुकान ऐसी है कि जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो छोटा है, बैक वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। आप फ्रंट पोर्शन बड़ा लेंगे वो भी बहुत अच्छा चलेगा, बट फ्रंट पोर्शन अगर आपका छोटा है एज कम्पेयर टू दी बैक पोर्शन, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए आपको कभी भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले अगर आपकी ऐसी कोई दुकान है आपको ये ट्राई करना चाहिए, ऐसी दुकान छोड़िए, कहीं और किराए पे लीजिए, वहां पे अपना धंधा करिए। सेकेंड वास्तु टिप छोटे दुकानदारों के लिए ये है कि अगर आप अपना गल्ला लगा रहे हैं, जहां पे अपनी सीट लगा रहे हैं आप अपनी दुकान पे, वो इस तरह से लगाइए कि आपकी पोजीशन आप ईस्ट फेसिंग देखें। यानी कि जब आप सीट लगाएंगे आपका फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। देखिए ईस्ट से हम फेम और मनी भी कंपेयर करते हैं, अगर आप ईस्ट फेसिंग अपनी सीट लगाएंगे बहुत चांसेस है और ग्रोथ के और फेम के, और चांसेस हैं आपके बिजनेस के बढ़ोतरी के। तो ईस्ट फेसिंग आपका सीट होनी चाहिए, आप वेस्ट में बैठे हैं नॉर्थ में बैठे हैं बट फेस आपका ईस्ट में होना चाहिए। अगली वास्तु टिप छोटे दुकानदारों के लिए है कि जो आपकी सीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वो ईस्ट फेसिंग कर ही ली, जो आपकी सीट है उस सीट पे बैठ के, जहां पे बैठ के आप पैसे कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, उस सीट पे बैठ के आपने कभी भी एक तो खाना नहीं खाना है, अगर आपने अपना लंच करना भी है कहीं और जगह बनाइए वहां बैठ के लंच करिए, और उस सीट पे आपने सोना भी कभी नहीं। देखिए दोपहर को हो सकता है बहुत कम कस्टमर्स हो तो आप उसी सीट पे सो जाते हो, ये बहुत नेगेटिव माना जाता है। जिस काउंटर से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वहां पे आपने कभी एक तो खाना नहीं खाना और वहां पे कभी भी सोना नहीं है। अगली वास्तु टिप छोटे दुकानदारों के लिए है कि जिस सीट पे आप बैठे हैं, जो आपका गल्ला है एक तरह से, वहां पे ट्राई करिए कि ग्रीन प्लांट्स जरूर रखें, छोटे गमलों में ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो आपकी सीट है उसके आगे छोटे छोटे ग्रीन प्लांट जरूर रखिए। देखिए बिजनेस के लिए हम बुध को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं, मर्करी एनहेंस करने के लिए छोटे छोटे पौधे अपने आगे रखेंगे, उनको रोज पानी देंगे, बहुत अच्छा आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और मर्करी एनहेंस होगा, अल्टीमेटली आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इसके साथ साथ आपने एक चीज ट्राई करनी है, जहां पे आप बैठे हैं उसके ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। कई बार हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपना सीट लगा के बैठे होते हैं, आपके ऊपर अगर बीम आ रही है बहुत ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, उसके नीचे आप गल्ला भी नहीं रख सकते बीम के नीचे, और बीम के नीचे कभी भी मत बैठिए।